क्या आपने किसी पुरुष को बच्चे का जन्म देते हुए सुना है? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। अमेरिका का एक शहर है जहाँ पर एक 28 साल के वाइली सिम्पसन है और टेक्सास प्रांत में रहते हैं, स्टीफन गैथ के साथ रहते हैं, उनके पार्टनर हैं स्टीफन गैथ्स। उन्होंने पहले तो पुरुष से महिला में अपना परिवर्तन कराया, महिला बने वो, और फिर उन्होंने 6 महीने का बच्चा होने पर उसका अनुभव साझा किया। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने लड़की से लड़का बनने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस बीच उनके पीरियड्स आने बंद हो गए तो डॉक्टरों ने उन्हें आगाह किया कि वे कभी माँ नहीं बन पाएंगे। लेकिन फरवरी 2018 में जब उन्हें पता चला कि टेस्टराइड थेरेपी के बाद भी वो गर्भवती हैं तो वह बिल्कुल हैरान हो गए। प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद उनके तो मतलब एक तरह से खुशी भी थी और हैरानी भी थी। वाइली ने बताया कि अब तक अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवा के हटवा चुके हैं। इस खबर के बाद पहले पहल तो वे हैरान हुए कि और नर्वस भी हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी इस बिना प्लान के हुई प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। लेकिन इस कपल के लिए सफ़र आसान नहीं रहा, उन्हें अपने आसपास रहने वाले लोगों के दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ा। सितंबर 2008 को वाइलिंग ने सिजेरियन के जरिए एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रोवन रखा गया। जब वह 6 महीने के हुआ तो उन्होंने अपने अनुभव दुनिया के सामने रखे। वाइली का कहना है कि शायद ही किसी ने गर्भवती पुरुष को देखा होगा। जब मैं सड़क से गुजरता था तो लोग मुझसे कहते थे कि मैं कभी पुरुष नहीं बन पाऊंगा क्योंकि पुरुष कभी बच्चों को जन्म नहीं देते। लेकिन अपने बेटे को देखने के बाद वाइली कहते हैं कि बेटे की खुशी के आगे वे सब तकलीफें और बुरा बर्ताव कुछ मायने नहीं रखती। हालांकि दोनों तय कर चुके हैं कि भविष्य में कोई और बच्चा नहीं करेंगे, लेकिन यह बात एक सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरीके से लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करके इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं और समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की ठान लेते हैं।